ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपकी राशि के जातकों की महिलाओं के कुछ अवगुण हैं, जिन अवगुणों को आज आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अवगुण ही हमारे जीवन में गुणों को निखारते हैं और अवगुण ही हमारी जो कमियाँ हैं उन्हें दर्शाते हैं। आज के इस युग में अपनी कमियाँ कोई सुनना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, लेकिन जिसमें अवगुण सुनने की क्षमता है वो कुछ अच्छा कर सकता है। अब अवगुणों को पता लग जाने मात्र से आपकी कई सारी समस्या आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में एक बदलाव कर सकते हैं, एक अच्छा बदलाव कर सकते हैं। जो आपको बार बार धोखे मिलते रहते हैं, जो बार बार आपकी इमोशन के साथ खेला जाता है, जो बार बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती, बार बार आप तनाव में चले जाते हैं और कई सारी परेशानियाँ आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो हम झेलते रहते हैं, उन सभी परेशानियों से आप हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। आप जो एक नॉर्मल, एक खुशहाल लाइफ चाहते हैं वो आपकी यथावत बनी रहे और वो सब चीज़ें आपके जीवन में होती रहे। दोस्तों, तो ये पांच अवगुण आपको आज अपने बारे में जानना चाहिए। अगर आप में ये हिम्मत है इस वीडियो को देखने की, अपने अवगुणों को सुनने की, तो ज़रूर आप सुने। अगर आपको लगता है कि आपके अवगुण सुनकर आपको बुरा लग सकता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और आप इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है किसी को सही जानकारी मिले जिससे उसके जीवन में एक बदलाव आए। तो आप सभी से एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखना, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, कोई भी एक भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखना। साथ ही साथ अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। जो भी आपकी परेशानी है शायद आपके समाधान, एक सकारात्मक समाधान आपको हमारे साथ बात करके मिले। सबसे पहला अवगुण है आपकी राशि के जातकों की महिलाओं की, बहुत जल्दी किसी पर भी यकीन कर लेना। ये अवगुण 90% महिलाओं में होते हैं, हाँ 10% को हम रेयर में छोड़ सकते हैं। आप बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेते हैं, आपको जो दुख, जो दर्द है, जो आप महसूस किया आपकी पास्ट लाइफ में, या आपने कभी भी उन चीज़ों का अनुभव किया, और अगर कोई व्यक्ति उस विषय को लेकर बात करता है तो आप उस पर बहुत यकीन कर लेते हैं। और बहुत जल्दी यकीन करने से हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाते और बाद में हमारे साथ छल, कपट और धोखा होता है। दूसरी बात है, आपको सच बोलना बहुत पसंद है। आप जो भी स्थिति होती है सच बोलकर, आप किसी भी चीज़ को ढकना नहीं चाहते, किसी भी चीज़ को आप ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में झूठ बोलकर चीज़ों में तकलीफों में पड़ना, जो है सच है। तो जितना आप सच के करीब रहती हैं वो सच कड़वा होता है, आप लोगों को सच बोल देती हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये भी एक बहुत बड़ा आपका अवगुण है, सच बोले, लेकिन ये आप में एक चीज़ है। तीसरा है कि बहुत ही जल्दी जो भी हमारे मन में है चीज़ें वो किसी के साथ भी साझा कर देती, आप ये भी नहीं देखती कि किसके साथ साझा करना है या नहीं करना है। और चौथा और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ भी हो जाए, किसी ने आपके साथ बुरा किया, कुछ भी किया, लेकिन आप हमेशा उनकी मदद करना चाहते हैं, आप हमेशा उनके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप कभी भी बदला लेने की भावना नहीं होती है। और पाँचवा और महत्वपूर्ण बात है कि आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती है।